आज जो है हमारी सर्वदलीय मीटिंग जो है वो स्पीकर साहब की अध्यक्षता में हिमाचल विधानसभा में संपन्न हुई है, जिसमें माननीय जयराम ठाकुर जी पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता वो भी उपस्थित रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज़ पे हमारी चर्चा हुई है। मैंने सरकार की तरफ से उन्हें रिक्वेस्ट की है कि भी विधानसभा का स्तर का जो सेशन का जो संचालन है वो हम चाहते हैं कि वो ठीक ढंग से चले और इस माननीय सदन में इस प्रदेश के लोगों की जो समस्या है, लोगों की जो दिक्कतें हैं और लोगों की आवाज़ है वो सदन में उठे और सरकार जो है उसका जो है उचित जवाब देगी। और हम चाहते हैं कि सदन जो है वो शांतिपूर्वक चले, क्योंकि विधानसभा का बजट सेशन जो है ये सरकार का पहला बजट सेशन है और हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमारे नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत सारी आस्थाएँ जताई है, विश्वास व्यक्त किया है। तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है प्रदेश सरकार की कि उन आशाएं और आकांक्षाओं जिस पे हमको हिमाचल प्रदेश की जनता ने वोट दिया है हम उनको पूरी करें। और सदन चलाना जो है जहां सरकार का भी कर्तव्य बनता है वो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, उतनी ही जिम्मेवारी जो है विपक्षी भी बनती है। और माननीय जयराम जी ने भी विस्तृत रूप से हमने चर्चा की है और रिक्वेस्ट किया है कि भाई सदन जो है इसका समय जो है सदुपयोग हो और सदन में जो है चर्चाएं जो हैं जनहित में लोगों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो इस सदन में जो है वो उठती रहे और हम जो है विपक्ष को जो है उचित मौका देंगे और जो भी इश्यूज़ और जो भी मुद्दे वो विधानसभा में उठाएंगे उसका सरकार जो है उचित जो है जवाब एक पॉजिटिव वे में जो है वो जवाब देगी। और क्योंकि ये सदन पे चलाने में जो है वो सरकार का पैसा खर्च होता है, जनता का पैसा खर्च होता है, तो ये सदन जो है ठीक रूप से चले ये हमारी जिम्मेवारी है। जहाँ सरकार की जिम्मेवारी है वहाँ विपक्ष की जिम्मेवारी भी है। माननीय जयराम जी ने हमें आश्वासन दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल विधानसभा का जो बजट सेशन है वो स्मूथली चलेगा। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा बंगवा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। एडमिशंस ओपन नर्सरी एलकेजी यूकेजी टू 12th, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775 8091711062। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।